डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर है हम लोगों का, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को किया है। चलिए आज हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ना, यहाँ से लेकर आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। और यहाँ पे खुशी का बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको अपने से फिगर नहीं बनाना है, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। ये 11 नंबर का ही फिगर है, आकृति 9.12, यहाँ पे 9.12 है ना, देखिए आकृति 9.12। तो ये हम लोगों को फिगर दिया हुआ है इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है, आखिर ये फिगर कैसे ड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, एक्चुअली अगर फिगर नहीं भी रहता तो ये फिगर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता, खींचना पड़ता, जैसे कि हम सभी क्वेश्चन में खींच रहे हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देख लो, अब यहाँ से लेकर 30 से 20 तक के हम लोगों का नहर है। 30 से 20 तक क्या है, नहर है, ध्यान रखिएगा। सी से बी तक के नहर है और नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर का मतलब हुआ जिससे आपको टीवी चलता है, रिसीवर कहते हैं। ठीक है, अब तो ये नहीं मिलता है, पहले मिला करता था। एक्चुअली जब घर में सब टीवी चलाते थे ना, तो टीवी टावर यूज किया जाता था। अब ये बहुत नौ के मात्रा में मिलता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को उतना नहीं प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन पे समझना है। क्या बोला, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे ऊपर खड़ा है। तो ये सी और बी जो है नहर है और इसी के किनारे एक टीवी टावर, देख रहे हैं ए बी हम लोगों को टीवी टावर है, ये खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि तो एक तट हुआ, हम लोग कोई भी नहर वगैरह बनाते हैं तो उसका दूसरा तट भी होता है, तो ये दूसरा तट है। पहला तट पे तो टीवी टावर खड़ा है, दूसरा तट पर दूसरा जो तट है उसके ठीक सामने, कैसे बोलते हैं नहर है तो इस पार और उस पार, उस पार का मतलब ठीक सामने ना, वैसे ही यहाँ पे भी टावर है, इसके सामने जस्ट इस पार शेष टावर का शिखर कोण का वैल्यू उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा लिखा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये ना टावर का शिखर है और इसके तट से दूसरे तट से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब ये जो तट है ना जहाँ 60 मीटर बना रहा है, इससे आओ 20 मीटर दूर, माने यहाँ पे एक तट है, इससे 20 मीटर दूर चले जाइए, तो वहाँ से फिर बोल रहा है कि शिखर जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे तट से 20 मीटर की दूरी पर, ये दूसरा तट है, इससे 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि आकृति देख पा रहे हैं। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई, भाई मेरे ये भी निकालना है, टावर की ऊंचाई ये वाला और नहर की चौड़ाई, मतलब यही ना नहर है, तो ये हमें निकालना है। यानी कि फिर से हम सवाल को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने बोला कि भाई धरती है, धरती तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी होगा नहर नदी नाला टावर तो कहाँ होगा, सब चीज़ तो धरती पर ही होगा, हवा में तो कोई पॉसिबल है नहीं। ये रहा हम लोगों को धरती। फिर क्या बोला कि धरती में एक नहर बनाया हुआ है,
अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक नहर है जिसमें पानी जो है जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहर है, ये हुआ हम लोगों को नहर। ठीक है, अब क्या बोला कि इसके एक किनारे पर, हम मान लिए इस किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया हम लोगों को कौन सी टीवी टावर। ठीक है, टीवी टावर। अब टीवी टावर का उसको ऊपर वाला को बोलेंगे शिखर बिंदु और नीचे वाला को बोलेंगे पाद बिंदु। ठीक है, तो ये नहर जो है, नहर कोई भी नहर हो या फिर नाला हो, उसका दो गो तट होता है, एक बाईं ओर एक दाईं ओर, या फिर बोले कि इस पार नहीं तो उस पार, दुगुना तट होता है। तो बोला गया कि एक तट पर तो टीवी टावर लगा दिए और दूसरा तट से जो टीवी टावर का शिखर है ना, इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा सवाल हमको बोल रहा है। तो यहाँ 60 डिग्री बना दिए। फिर क्या बोल रहा है कि जो दूसरा तट है ना भाई, उससे 20 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से लेकर 20 मीटर की दूरी पर, ध्यान लीजिएगा, यानी कि यहां टीवी टावर के पाद बिंदु से 20 मीटर नहीं, ये तो नहर है, दूसरा वाला जो तट है उससे 20 मीटर दूरी पर, यहां पर मान लीजिए कि 20 मीटर है, यहां से इसका जो टीवी टावर का शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री है भाई। तो हमको क्या निकालना है, नहर का चौड़ाई निकालना है और टीवी का ऊंचाई निकालना है, यानी टीवी टावर का ऊंचाई भी निकालना है, नहर का चौड़ाई भी निकालना है। तो क्या कर लो, नहर का चौड़ाई भी निकालना है, इसको मान लो x, क्या मान लो x, ठीक है, और टीवी टावर का ऊंचाई निकालना है तो इस ऊंचाई को मान निकालना है तो y मान लो। ठीक है, तुमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, सबका नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है, सबका नाम हो गया। यहाँ हम लोगों को x का भी मान निकालना है सवाल में और y का भी मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में आपको थीटा कितना दिख रहा है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, पी, नहीं, तो यहाँ P का वैल्यू कौन सी हो गया, वाई ना, क्योंकि इसके सामने वाला को तो हम वाई माने हैं, ऊंचाई वाई, और B कितना हो जाएगा, B तो नीचे वाला हो जाता है, नहर का चौड़ाई यानी कि इसको माने हैं X। ठीक है, चलो यहाँ से आप अब देख पा रहे होंगे कि टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर P बटा में B, तो tan हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बराबर P का मान y बटा में x, और tan 60 का वैल्यू कितना, रूट थ्री बराबर में कौन सी, y बटा में x, इसलिए यहाँ से हम निकाल देंगे, इसलिए y का मान कौन सी हो गया, y का मान तिरछा तिरछी, इसको रूट थ्री को रूट थ्री बटा एक भी तो लिख सकते हैं, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y को x से y और रूट थ्री को x से, तो रूट थ्री एक्स, ये हम लोगों को हो जाएगा y बराबर में रूट थ्री एक्स, एगो समीकरण मिल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब चलिएगा आप त्रिभुज कौन सा में, अब बड़ा वाला में चल दीजिए, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में आप चलिएगा तो त्रिभुज ए बी डी को देखिए, पूरा बड़ा वाला को देखिए, तो पूरा बड़ा वाला में थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाला को हम कौन सी कहते हैं, पी, नहीं, कोई भी थीटा रहता है उसके सामने वाला को बोलते हैं पी, तो इसके सामने वाला वाई ना है हमारा भी बी पी, तो यहाँ हो जाएगा पी बराबर में कौन सी, y, लेकिन दोस्त b कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोगों का बेस b से लेकर d तक होगा, ध्यान दीजिए, जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो, उसमें बेस मेरा कितना होगा, b से लेकर d तक, और बेस यहाँ पे हम लोग b से d तक लिखेंगे, इसका मतलब 20 प्लस में x, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ, चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोगों का आधार यही होगा BD, है ना, और BD आधार का मतलब 20,
बी से सी तक की दूरी 20 है और सी से डी तक की दूरी x है, तो टोटल दूरी तो 20 प्लस x हो गया। इसमें भी आप फार्मूला लगाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी के जगह पे y है और b के जगह पे 20 प्लस एक्स, ठीक ना। और यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक काम करना है, y का मान जो है ना, यहाँ पे y का जो मान है वो समीकरण एक से रखने पर, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टेन 30 का वैल्यू कितना है, 1 बटा में रूट 3, टेन 30 का वैल्यू हो गया बराबर। और y, तो y का जो मान है हम लोगों को पहले आया है, अच्छा अभी रख दीजिए y का वैल्यू y छोड़ दीजिए, बट्टा में 20 प्लस में x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक से रखने पर, समीकरण एक से रखने पर यानी कि समीकरण एक से जो हम लोग y का मान रखेंगे यहाँ रखेंगे, तो अब आपको क्या यहाँ पे करना है, 1/√3 बराबर y, तो y का समीकरण एक में क्या आया है, y के जगह पे √3x, तो यहाँ पे √3x कर दिए और बट्टा में 20 प्लस एक्स। अब आपको हम ये समीकरण बना के दे दिए हैं, आपको करना क्या है, यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा 20 प्लस एक्स को 1 से और √3 √3x को गुना कीजिएगा, तो x का मान निकाल लीजिए, और x का मान निकाल लीजिएगा तो हमको तो दुगुना आंसर करना है, x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली x का तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए आराम से, इसको तिरछा तिरछी गुना करा लीजिएगा x, और अब हम लोगों को y कैसे निकलेगा, लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, फिर से तुम चलना समीकरण x x का वैल्यू जितना आएगा ना, फिर से चलना पुनः समीकरण एक से, तो एक से y बराबर नहीं है √3x, देख लो y बराबर √3x, और y माने हैं हम टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई बराबर √3x, और √3 और जितना x के मान आएगा, इससे तुम x का मान निकाल लियो, x का वैल्यू 4 आएगा तो 4 रख देंगे, और जो आएगा उसको सही से लिख दीजिए, जैसे 4 आया तो 4√3, 2 आया तो 2√3, मैंने इसको सीधा से लिख के, और हम लोगों का y निकल जाएगा और x निकल जाएगा, तो कुल मिलाकर हम लोग इसका जो आंसर है वो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसका फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, बोला गया कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, सबसे पहले कुछ भी भवन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को तो भाई धरती बनाना ज़रूरी है, देख लो ये हम लोगों को पृथ्वी हो गया, धरती हो गया, इसी पर हम लोग सब कुछ बनाते हैं, चाहे नहर हो, नाला हो, या फिर टीवी टावर हो, मीनार हो, मंदिर हो, कुछ भी। यहाँ पे क्या बोला गया कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है कि दो चीज़ है भाई, एक भवन भी है और एक केबल टावर भी है। अब लोगों को समझ नहीं आता है कि दोनों में किसको बड़ा बनाया जाए, है ना, भवन को बड़ा बनाया जाए कि केबल टावर को बड़ा बनाया जाए। तो आप अपने आसपास के घर को देखिए, भवन को देखिए और टावर को देखिए, तो कौन ज़्यादा ऊंचा होता है, टावर ऊंचा होता है कि भवन ऊंचा होता है। तो ये पता चल गया हमको कि भवन को बनाना है छोटा और टावर को बनाना है ऊँचा, समझ में आया। तो आप धरती पर ही दो गो बात को टिकाना है, एक भवन बनाइए और एक टावर बनाइए, ये हो गया हम लोगों, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, आप स्केल से सीधा बनाइएगा फिगर और पेंसिल से बनाइएगा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। ये हम लोगों को केबल टावर है, कौन सा टावर है, केबल टावर। अब केबल टावर का कुछ यूज होगा अब उतना तो पता नहीं है, लेकिन ये कोई भी तरह का है टावर, तो टावर का हमेशा ऊंचाई बड़ा होता है, और ये हमारा भवन,
ये क्या है? भवन। अब भवन भी बना लिए, ठीक है, और केबल टावर भी बना लिए, पक्का। अब हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है भाई। भवन कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। यानी कि भवन का ऊंचाई हमको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। अच्छा, बोल रहा है फिर कि एक केबल टावर के शिखर का उन्हें 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, यानी भवन का शिखर और टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का शिखर यहाँ है, टावर का शिखर यहाँ है, और दोनों का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम लोग डॉट डॉट से मिलाएं तो ऐसे सीधा बनेगा, और ई वाला एंगल हमको 60 डिग्री है, ठीक है। अब तो पता चल गया। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का यहाँ पे बोल रहा है अवनमन। देख लो, अवनमन के बारे में आप जानते हैं कि जब ऊपर से अगर नीचे दिखते हैं ना, ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। उसको कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस फिगर में हम लोगों को तो भवन का शिखर ही लेना है। भवन का शिखर और टावर का शिखर का 60 डिग्री है, लेकिन भवन का इस बार शिखर और टावर का पाद बिंदु का अवनमन बोल रहा है हम लोगों को 45। तो अवनमन हमेशा ऊपर होता है, तो ये हो गया 45, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अच्छा, यहाँ से हम लोगों को मिल गया 45, ठीक है। अब आप यहाँ से एक बात बताइए कि जब दो समांतर रेखाएं कोई एक तिर्यक छेदी रेखा कट करती है तो ये वाला एंगल ये वाला एकांतर अंतःकोण से बराबर होता है। तो ये 45 है, तो ये भी हम लोगों को 45 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरीके के फिगर हमको बनेगा, समझ में आया? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब ये 7 मीटर है तब यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर ऑलरेडी होगा हम लोगों को। और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टावर की ऊंचाई निकालिए। तो टावर का ऊंचाई तो टोटल ना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक 7 पता है, तो यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए, और जब टोटल टावर का निकालना होगा तो 7 में और x को जोड़ दीजिएगा। तो आपके सामने फिगर हम ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। अब आप जो है x का मान कैसे निकालेंगे, आपको इसको सॉल्यूशन करके बताना है। अगर नहीं बनेगा, हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, और तो वो आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को केवल टावर का ऊंचाई निकालना है, यानी कि टोटल निकालना है। तो आप x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, जितना आएगा उसमें 7 को और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमको 7 पते हैं, इसके वजह से, क्योंकि भवन के सामने वाला भी 7 होगा। अब आपको ट्राई करना है कि आखिर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे और केवल टावर का ऊंचाई फिर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, इसको आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन को फिगर हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब आप नाम अपने तरीके से भी दे सकते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज में चलना है, कैसे चलना है, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।